तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैक स्पिन की बात कर रहे हैं। तो बैक स्पिन में जब हम बॉल को नीचे की तरफ रैकेट ऐसे यूं हल्के से नीचे मारेंगे तो इस बॉल का रोटेशन इस तरफ से हो जाएगा, तो बॉल नीचे की तरफ से घूमते हुए हमारे अपोनेंट के पास पहुंचेगी। इस तरह से रोटेशन रहेगा इसका। जब हमने बॉल को नीचे से मारा तो ये बॉल नीचे से घूमेगी। अब जैसे ही अपोनेंट के रैकेट से टच होगी तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ, ये बॉल अगर ऊपर घूम रही तो जब कॉन्टैक्ट होगा तो ये बॉल नीचे भागेगी। बैक स्पिन जब सामने कॉन्टैक्ट में आएगा तो बॉल नीचे भागेगा। इसी के रिवर्स, अब ये हमने दूसरी बॉल ली है और इसको अगर हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मारेंगे, रैकेट नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे यूं। पहले हम कैसे ले जा रहे थे, पहले हम यूं ले जा रहे थे नीचे, अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर जब ले जा रहे हैं तो अब बॉल का रोटेशन जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। अब बॉल ऊपर की तरफ से घूमते हुए जा रही है, दोनों तरफ में ये सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। अब क्या कर रही है, ऊपर से, और जब नीचे मारा था मैंने तो बॉल नीचे की तरफ से सर्कुलर मूवमेंट करे। तो दिस विल कॉल्ड जो ऊपर की तरफ से घूमता हुआ जाएगा यू मारने पे, यू हिट करने पे, दिस इज कॉल्ड अ टॉप स्पिन इन द बॉल। ये जब बॉल ऐसे घूमेगा तो ये टॉप स्पिन हो गया। और जब हमने दूसरी बॉल को मारा था जिसमें हमने ऐसे नीचे की तरफ से मारा था तो बॉल यू घूमेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसको कहेंगे बैक स्पिन। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट स्पिन्स बेसिकली यूज्ड इन टेबल टेनिस। अब इसी के बाद मैं दूसरी स्पिन में आता हूँ। अभी मैंने रैकेट को नीचे मारा तो बैक स्पिन आया, रैकेट को ऊपर मारा तो टॉप स्पिन आया था। अब रैकेट को अगर हम इस तरफ से मारेंगे, इस तरफ से बॉल को अगर इस तरफ से इधर कॉर्नर से मार देंगे ये यूं, तो अब बॉल का मूवमेंट जो है देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। जब बॉल इस तरह से मूव करेगी एरो की तरफ यूं, सर्कुलर मूवमेंट इस तरह से जाएगा, तो बॉल जैसे ही वहाँ टच करेगी जा करके तो बॉल तेज़ी से इस मूवमेंट के अगेंस्ट उस तरफ भागेगी, दूसरी तरफ भागेगी। तो दिस स्पिन इज कॉल्ड साइड स्पिन बिकॉज न बॉल इज मूविंग साइड वेज। ये दोनों तरफ से मूव कर सकता है। अगर हम इधर से बॉल को हिट करेंगे तो बॉल इस एरो के डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब हम एरो को इधर कर देते हैं और इस तरफ मारे बॉल के, आप जो देख नहीं पा रहे उससे पे हिस्से पे अगर मारेंगे तो बॉल का मूवमेंट यूं हो जाएगा। तो दोनों ही साइड स्पिन कहलाएंगी। और उससे पहले जो दोनों स्पिन मैंने आपको बताई थी उसमें बैक स्पिन है और जब ऊपर की तरफ रैकेट जाएगा तो टॉप स्पिन है। इसी टॉप स्पिन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स कम ऑन द टेबल। डीप करो नेट मार्क। ये देखिए जो बॉल आर्यन फेंक रहा है वो रैकेट बॉल को नीचे की तरफ से मार रहा है, तो बॉल में बैक स्पिन प्रोड्यूस हो रहा है। बैक स्पिन प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है कि जब अभी अब खेल रहा है तो बॉल की टेंडेंसी क्या हो गई कि जैसे ही बैक स्पिन बॉल आके रैकेट पे टकराएगी वो तेज़ी से नेट की तरफ भागेगी। तो हमको एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए कि जो इस बैक स्पिन को न्यूट्रलाइज कर सके। मैं फिर से दिखाता हूँ। आर्यन डीप कट करो, काउंटर खेलो। अब इसको काउंटर नहीं खेल सकता, इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इस बॉल पे जिसमें बैक स्पिन है उसको अटैक करने के लिए एक डिफरेंट शॉट हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर आ चुकी है बिकॉज ऑफ बैक स्पिन जो आर्यन ने भेजी थी। अब उसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने एक्शन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी। तो जो रैकेट का एक्शन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, अब ये एक्शन हमारा थोड़ा नीचे से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा और थोड़ा और ऊपर तक जाएगा। तो ये जो हिस्सा हमने बढ़ाया इधर और ये जो हिस्सा हमने बढ़ा लिया नीचे की तरफ, ये और ये मिल करके इस बैक स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देगा और बॉल स्पिन के साथ पावर के साथ उस तरफ जा सकेगी। इसका एक्शन अभी मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे करके बताएंगे। तो अब आर्यन बैक स्पिन बॉल देगा और अभी आपको उस पर टॉप स्पिन मार के दिखाएगा। ये टॉप स्पिन एक्शन होता है बैक स्पिन को न्यूट्रलाइज करते हुए अपना स्ट्रोक खेल लेना, क्योंकि जब आप पुश करेंगे तो आपको इसी तरह का बॉल मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड टॉप स्पिन स्ट्रोक। अब इसके बाद जो बॉल रिटर्न आएगा वो एक नॉर्मल बॉल होगा, विदाउट स्पिन होगा, उसमें कोई स्पिन नहीं डाल सकता। तो यू कैन हिट बॉल वेरी फास्ट विद काउंटर स्ट्रोक्स। सो इट इज दिस इज़ द थर्ड स्ट्रोक वी आर लर्निंग, फोर हैंड पुश, फोर हैंड काउंटर, एंड दिस स्ट्रोक इज फोर हैंड टॉप स्पिन प्ले। सो यू कैन सी द एक्शन इज क्वाइट इलॉन्गेटेड। इस एक्शन को थोड़ा सा लंबा हो गया है
और इसकी वजह से बैक स्पिन बॉल को भी नेट के उधर मारने में प्लेयर सक्सेस हो जाता है, राइट। अभी हम इसका एक्शन आपको करके बताएंगे। नाउ टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो नाउ दिस इज़ द फोर एंड टॉप स्पिन। नाउ विल गो टू द बैक एंड टॉप स्पिन। उधर का कंडीशन सेम रहेगा, कट बॉल आ रहा है जिसमें बैक स्पिन आर्यन ने दिया हुआ है, और अभी के बैक एंड पे बॉल आया है, तो अभी इसको कैसे हिट करेगा, जैसे हमने आपको बताया था बच्चों कि बैक एंड काउंटर का जो एक्शन हमारा होता है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। फोर एंड का एक्शन हमारा यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जब हमें बैक एंड की टॉप स्पिन मारनी है तो ऑब्वियसली इसमें भी हमको एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने की ज़रूरत है। वो जो पावर सामने से आ रही है नेट में जाने वाली, उसको बराबर करने के लिए हमने एडिशनल पावर चाहिए। तो हम रैकेट को एक फिट नीचे से लाएंगे और एक फिट ऊपर तक ले जाएंगे। तो ये एक फिट इधर और एक फिट का डिस्टेंस इधर, ये आपके एक्शन को पूरा इस पावर को न्यूट्रलाइज कर देगा जो आर्यन बैक स्पिन बॉल में दे रहा है। आई एम श्योर, आई एम क्लियर। चलो फेंको, दिस इज बैक एंड टॉप स्पिन। बॉल नेट में अंदर नहीं जाए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपने बैक एंड काउंटर के एक्शन को थोड़ा नीचे से लाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं। तो दिस एक्शन, दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड बैक एंड टॉप स्पिन। ओके,